हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके दिए गए हैं, आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड हैप्लॉइड एन और डिप्लॉइड 2n। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोगों ने फिगर ले लिया है। ठीक है, इसमें देखिए ओवरी की बात करें तो देखिए आपका ओवरी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ओवरी का पार्ट है। ठीक है, ओवरी देख रहे हैं, ओवरी सबसे पहले हम लोग ओवरी देखे हैं तो हम लोग यहाँ राइट डाउन नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कि ओवरी जो है हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ठीक है, तो ओवरी के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके सबका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो ओवरी जो होता है डिप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड 2n। ठीक है, अब एंथर की बात अगर हम लोग करें तो एंथर देखते हैं। ठीक है, एंथर यहां देखिए हम लोगों को दिख रहा है, एंथर का जो पार्ट है ये आपका एंथर है। ठीक है, ये पार्ट जो है एंथर है, यहां देखिए एरो देखिए, यहां एंथर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एंथर है, एंथर जो है, अब हम देखते हैं एंथर क्या है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। तो एंथर भी आपका डिप्लॉइड है। ठीक है, डिप्लॉइड यानी 2n। ठीक है, अब हम लोग एग के बारे में बात करेंगे तो एग कहां आपको मिलेंगे, देखिए यहां ओवरी में ही आपको ओवरी ये दिख रहा है, ओवरी विथ एग्स आपको दिख रहा है। ठीक है, एग्स यहाँ है ना, तो एग्स की चर्चा हम लोग कर लिए। एग्स जो होता है हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड एन होगा। ठीक है, अगला अगर पोलेन की बात करें तो पोलेन देखिए, पोलेन यहां आपको दिख रहा है, एंथर को जब ब्रस्ट होते हैं तो उसके अंदर से पोलिन सेक बना हुआ है, उसी में क्या होते हैं, पोलिन होते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिगर में आप लोगों ने समझ लिया पोलिन क्या होता है, तो पोलिन जो होता है हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड यानी एन। ठीक है, अब मेल गेमेट। ठीक है, मेल गेमेट आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, एंथर जो है आपका मेल गेमेट है। ठीक है, तो मेल गेमेट में एंथर है और एंथर में अगर पोलिन है, पोलिन ग्रेन जो होते हैं वो क्या है, मेल गेमेट है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात की पोलिन क्या है, हैप्लॉइड है, तो मेल गेमेट क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड यानी एन। ठीक है, अब जायगोट की चर्चा कर लें तो यहाँ फिगर में आपको कोई जायगोट नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली जायगोट जो होता है मेल और मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन होता है तब जो आपको प्राप्त होता है जायगोट। ठीक है, तो जायगोट क्या हो गए आपके, जायगोट जो हो गए डिप्लॉयड हो गए और उसको हम लोग 2n बोल सकते हैं। ठीक है, तो जायगोट आपका डिप्लॉयड है यानी 2n। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों गेमेट है तो डिप्लॉयड ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इंडिया एडुकेयर चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।